विद्वान स्मरणनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध असे आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मुकुंदराज बाबाजी यांचे विचार आपल्याला ऐकायचे आहेत. मी त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपले विचार प्रगट करावे. श्री दत्तात्रेय महाराज विश्वोत्पत्त्यादी तव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः. कृष्ण कृष्ण कौ द्रौपदा धरो कृष्ण बल ध्यान ऐसा ना कोई जगत में दूजा कृष्ण समान. दुख मिटावे पाप हरे देत मुक्ति अरुजान ऐसे पूर्ण ब्रह्म का नाम जपो धर ध्यान. सिमरण बूटी प्रेम की हृदय माही निचोर कंचन काया होत है इस बूटी के जो. आज के धर्म सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री औरंगाबाद आश्रम के बाबा नागराज बाबा जी एवं उपस्थित संत महंत एवं भक्त जनता, आज अचानक ये कार्यक्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ी खुशी हुई. मुझे तो जालना आने तक पता भी नहीं था कि यहाँ पर यह नाम स्मरण महायज्ञ का कार्यक्रम होने वाला है. देखिए, यदि किसी को जाने की जल्दी है तो पहले ही उठ के चले जाए. पहले ही उठ के जाने में भलाई है. यदि बोलने की जिसको जल्दी है तो माइक पे आकर के बोले. अलग अलग बोलेंगे पता नहीं चलेगा. दोनों में से जो बात मंजूर हो, उठने की जल्दी है तो भालीगढ़ के भगत लोग जयकारा बोलते तो 45 तक आती आवाज. तुम्हारी सिर्फ सभा मंडप के बाहर भी नहीं निकल रही है, बड़ी दुख की बात है. मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप लोग ने जो वीड़ा नाम स्मरण का उठाया है किस ढंग से करते होंगे. जिसको जयकारा बोलने में शर्म आती हो वो आगे क्या करेगा. श्री गोपाल कृष्ण समय किसी का इंतजार नहीं करता, बड़ी सुपर फास्ट गति से चलता है. हमारे धार्मिक विधियां अनेक हैं, उनमें नाम स्मरण का विधि सर्वश्रेष्ठ विधि माना है. नाम स्मरण का विधि के लाभ आप लोगों ने सूत्र पाठ में नामाचे दाठ आए लाभ पढ़े होंगे. इस प्रापंचिक वस्तुओं में भी एक दूसरे के स्पर्श में आने से क्या बदल होता है. पारिश नाम का एक पत्थर है और लोहा भी एक पत्थर है. लोहा एक घटिया बहुत कम कीमत की वस्तु और पारिश का योग आने के बाद में वो सबसे ज्यादा कीमती बन जाता है. पारिश में वो पावर है, शक्ति है कि घटिया से घटिया लोहा जिसको कि वैसे बाजार में छोड़ दो बेवारिश तो भी चोर जल्दी उठाने की हिम्मत नहीं करेगा और सोने को साथ लाकर तोड़ करके भी गोलियां चला करके फूंक करके भी ले जाने की हाथ से छीनने की कोशिश करते हैं. वह उस पारिश पत्थर की शक्ति है कि जो
घटिया से घटिया वस्तु को कीमती बना देता है, वैसे ही नाम स्मरण की शक्ति जो है, सिमरण बूटी प्रेम की हृदय माही निचोड़, कंचन का होत है तो इस बूटी के जोर। ब्रह्मविद्या शास्त्र में दृष्टांतों में आता है कि एक शतवेदी रस कुछ ही वस्तुओं के मिश्रण से रस तैयार करते हैं, 10 गुना वस्तु को वह सोना बनाता है। सहस्त्रवेदी एक रस वो होता है कि अपने एक तोला रस से 1000 तोला पारे को सोना बना देता है। एक होता है शब्दवेदी, शब्दवेदी रस की कीमत सबसे अधिक, उसमें नाप तोल का कोई हिसाब किताब नहीं। जैसे शतवेदी सहस्त्रवेदी इन रसों की तो कीमत है अपने अपनी जगह, सिर्फ शतवेदी है तो 100 गुना वस्तु को ही पारे को सोना बनाता है। सहस्त्रवेदी सिर्फ 1000 तोले को ही सोना बनाएगा, परंतु शब्दवेदी रस की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं। किसी व्यक्ति के झोली में वह शब्दवेदी रस था, वो टटियार के बाजार से गुजर रहा है, वो जब रात के वक्त में तांबा गरम किया हुआ तांबा और उसको ठोक रहे हैं, वो तांबे में से निकली हुई आवाज उस झोली में बैठा रस उसको जाके छूता है और वह रस वो आवाज फिर वापस तांबे को जाके पहुंचती है और सोना बन जाता है। कितनी उस शब्द वेदी रस के अंदर शक्ति है, वैसे ही हमारी धार्मिक अनेक विधियों में नाम स्मरण का विधि सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप लोगों ने जिन्होंने सूत्र पाठ पढ़ा होगा, ब्रह्म विद्या पढ़ी होगी, उनको पता होगा कि और विधियों के बारे में, पूजा करे तो उसका यह फल, सेवा करे उसका यह फल, परंतु अभिमान वाली बात सिर्फ एक वचन में आती है और वह है नाम स्मरण कीजिए, नामी अभिमान आती। नाम स्मरण कीजिए, नाम स्मरण करने वाले का परमात्मा को सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज को अभिमान होता है। अभिमान वाला शब्द सिर्फ नाम स्मरण के वास्ते ही भगवान ने प्रयोग किया है। यहाँ पर जो कि हमारे अग्रगणीय प्रज्ञा सागर बाबा जी, इन्होंने ये जो उपक्रम नाम स्मरण का करवाया, देख करके सुन करके बड़ी खुशी हुई। इस नाम स्मरण की महिमा आप देखिए, और विधियां कितनी भी कर ले परंतु परम पद में को पहुंचाने के वास्ते क्या चाहिए, नाम स्मरण की महिमा। नाम स्मरण करने वाले को ही परमात्मा के परमानंद की प्राप्ति होती है, बाकी वो विधियां बीच में कलश को नहीं छूती। सेवादाश करे उसका फल मिल जाएगा, पूजा करे उसका फल मिल जाएगा, दान करे उसका फल मिल जाएगा, परंतु परमात्मा के परमानंद कर पहुंचाने के वास्ते नाम स्मरण ही आगे ऊपर है। नाम स्मरण वाले की करने वाले के बारे में भगवान श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, हे भगवान कहते हैं, मेरा नाम स्मरण करने वाला इस संसार में दुर्लभ है। भगवान चंद्र जी कह रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति स्वमात्मा सुदुर्लभ, जिन्होंने परमात्मा को ही अपने सब कुछ माता पिता धन दौलत समझा है, ऐसे व्यक्ति संसार में दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे बारे में भगवान श्री चक्रधर महाराज के क्या मनोगत है, वो क्या चाहते हैं हमसे। बाकी विधियां तो अनेक व्यक्ति कर सकता है, परंतु परमात्मा के स्मरण में ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। कई लोग को देखते हैं नाम स्मरण करते हैं, साथ साथ में गप्पा भी मारते रहते हैं, गप्पा मारते हुए नाम स्मरण किया हुआ उतना लागू नहीं होता। नाम स्मरण के वास्ते गीता कहती है,
समम काय शिरोग्रीवं धारयन् चलवस्त्र संप्रेगम सम दिशचार्वलोकयन्। सीधे बैठे जिसकी गर्दन पीठ एक आगे अपनी नाक के ऊपर ही नजर टिकी हो, मन इधर उधर न जाते हुए परमात्मा का जो नाम स्मरण किया जाता है वो भगवान के लेखी लगता है। अपने जीवन का लक्ष्य बना करके कि अब ये 12 साल के वास्ते व्रत रखा है तो करेंगे, बाद में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। ये तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग दी जाती है, जाता है फौजी को लड़ने के वास्ते, बॉर्डर पे जाने के वास्ते गोलियां कैसे चलाई जाती, इसका मतलब लड़ाई है। ये हमें चाहिए नियम की विधियां हो चाहे ना हो, नाम स्मरण करना बहुत जरूरी। भगवान श्री चक्रधर महाराज, आप लोग कभी कभी क्या होता है कि नाम स्मरण भी कर रहे हैं और बातें भी चालू है, नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण करे टांग हमारी इधर उधर हिल रही है, नाम स्मरण करे हाथ पैर इधर उधर हिल रहे हैं। एक दृष्टांत भगवान ने भिगुरुटी का बतलाया है कि एक श्री दत्तात्रेय महाराज ने भी वही बतलाया है कि एक शत्रु रस्ते में बैठा है, औजार छुरी चाकू उन पे धाक लगा रहा है, कितना एकाग्र चित है उसके पास से राजा, उसने फौज की तरफ ध्यान नहीं दिया। पीछे से एक व्यक्ति आया, कह रहा है भाई साहब राजा तो न तो इस धार लगाने बात, शस्त्रों को धार लगाने वाला व्यक्ति फौज को नहीं देखता, राजा को नहीं देखता, वो दुनिया की फौज का मालक परमात्मा उसका जब ध्यान कर रहे हो तो आपके कान को कोई सुनना ही नहीं देना चाहिए। कैसे पाने का बोलना लो न लगो सोना, रूप तरी नहीं ना बोलो तुझे